हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लाइटरूम ऐप की मदद से कुछ इस टाइप की ब्राउन कलर फोटो एडिटिंग एंड ब्राउन कलर का फोटो में कैसे टोन डाल सकते हो, कैसे अपने फोटो को रिटच कर सकते हो। आज के इस वीडियो में गाइस हम पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर जो हमारी फोटो है अभी गैलरी में है, तो इसको हम शेयर कर लेते हैं लाइटरूम ऐप के अंदर, ठीक है। तो ये रही हमारी लाइटरूम ऐप, इसके अंदर इसको हम शेयर कर लेते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर हमारी जो फोटो है लाइटरूम ऐप के अंदर आ गई है, तो इस पर क्लिक करके हम इस फोटो को ओपन कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर जो हमारी फोटो है लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कलर को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो कलर को एडजस्ट करने के लिए क्या करना होगा, कलर ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर मिक्स कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको येलो कलर पे क्लिक करना है, और इसकी ह्यू को आपको माइनस के लेके जाना है, -100 के राउंड। फिर ग्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसके भी ह्यू को -100 के राउंड कर लेना है। फिर एक्वा कलर पे क्लिक करना है, और इसके सैचुरेशन को -100 कर लेना है। फिर ऐसे ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर पे क्लिक करके इसके सैचुरेशन को -100 कर लेनी है, और लुमिनेस को बढ़ा लेनी है, ठीक है। लुमिनेस को बढ़ाकर 75 कर लेनी है, और उसके बाद ये वाला कलर पे क्लिक करना है ऑरेंज कलर पे, और इसकी लुमिनेंस को थोड़ी सी आपको बढ़ा लेनी है, और सैचुरेशन को माइनस कर लेनी है, -16 कह रहा हूँ, और फिर डन कर लेना है, ठीक है। तो डन कर लेने के बाद आप क्या करना है, शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव करना है, सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके सिर्फ आपको फ़ोन में से सेव कर लेना है। और सेव कर लेने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है, और प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके री एडिट करना है वही फ़ोटो को जो अभी सेव किए हैं। तो ये फोटो को ओपन करते हैं हम, और इसको ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो फोटो है ऐड हो गई है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं फोटो को। तो भाई इधर तक वीडियो को देख लियो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, तुम्हारा भाई अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लाता रहता है। तो इतना ऑप्शन करने के बाद गाइस क्या करना है, कलर ऑप्शन पर क्लिक करना है, और फिर मिक्स कलर पर क्लिक करना है। फिर आपको ग्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी ह्यू को आपको माइनस कर लेना है, -100। फिर येलो कलर पे क्लिक करना है, और इसके भी ह्यू को आपको माइनस कर लेनी है, ठीक है, -100 के अराउंड, और सैचुरेशन को भी थोड़ी सी माइनस कर लेनी है, -8 के अराउंड। ओके, तो इतना ऑप्शन कर लेने के बाद फिर डन वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद फिर आपको लाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो गाइस लाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, फ़ोटो में थोड़ी सी हाईलाइट को बढ़ाएंगे, थोड़ी सी, ठीक है, 4 के राउंड, और वाइट्स को थोड़ी सी कम कर लेंगे, -5 के राउंड कर लेंगे, और जो शेडो है शेडो को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम लोग, करीब 33 के राउंड, ठीक है। तो इतना ऑप्शन कर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और फिर ग्रेडिंग वाला ऑप्शन पर आ जाना है, ठीक है। फिर गाइस शेडो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना है, और सैचुरेशन को थोड़ी सी बढ़ा लेना है आपको, ठीक है। पहले सेचुरेशन को बढ़ाकर करीब कर लेना आपको 23 के राउंड, और ह्यू को +5 के राउंड रखना है, ठीक है। और ब्लेंडिंग जो है ब्लेंडिंग को आपको बढ़ा लेनी है, ब्लेंडिंग को बढ़ाकर 64 कर लेनी है, और बैलेंस को गाइज माइनस कर लेनी है, ठीक है, -11 के राउंड। और ये जो लुमिनेंस है लुमिनेंस को भी बढ़ा लेना है थोड़ा सा, 13 के राउंड। एंड फिर इतना ऑप्शन कर लेने के बाद फिर मिड पॉइंट पर क्लिक करेंगे सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन पर, और इसके भी सैचुरेशन को थोड़ी सी हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। और जो ह्यू है ह्यू को इस कलर पे लाकर छोड़ेंगे, येलो टोन पे, ठीक है। और लुमिनेंस को थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, करीब -11 कह रहा हूँ। और फिर इसके बाद हाईलाइट वाला ऑप्शन पे आएंगे, और थोड़ी सी सैचुरेशन को बढ़ाकर इसका जो ह्यू है ह्यू को ब्लू टोन पर लाकर छोड़ेंगे, 197 कह रहा हूँ, और फिर डन कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस डन कर लेने के बाद ये जो वाइब्रेंस वाला ऑप्शन है वाइब्रेंस को थोड़ा सा माइनस कर लेंगे हम, -8 कह रहा हूँ। और उसके बाद फिर क्लैरिटी वाला ऑप्शन पे आएंगे, इफेक्ट वाला ऑप्शन पे, और क्लैरिटी को बढ़ा लेंगे करीब 20 के राउंड, और विंगनेट को थोड़ी सी माइनस कर लेंगे, विंगनेट को -23 के राउंड कर लेंगे, ठीक है, और थोड़ी सी फेदर को बढ़ा लेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो हमारी फ़ोटो है पूरी अच्छी तरीके से एडिटिंग हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, जो बिफोर देखो, बिफ़ोर कैसा था एंड आफ्टर देखो कितना मस्त लग रहा है, और कितना अच्छा कलर ग्रेडिंग हुआ है। अब इसको गैलरी में सेव करना है हमको, तो उसके लिए क्या करना होगा, शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके, और फिर सेव टू डिवाइस पे क्लिक करोगे
तो आपकी जो फोटो है गैलरी में आसानी से सेव हो जाएगी। तो आई होप गाइज कि आपको ये एडिटिंग पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एडिटिंग अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तुम्हारा भाई भाई फोटो एडिटिंग से रिलेटेड एंड ट्रेंडिंग रील्स वीडियो से एडिटिंग रिलेटेड वीडियो लाता रहता है, तो सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी गाइज आप लोग हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करे हो तो इंस्टाग्राम का आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो फॉलो जरूर से कर लेना। मिलते हैं ऐसे कई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।